हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं अथवा उनके गुणनफल में इकाई के अंक की जांच करना। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सीटेट में इसके एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं, तो ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा। संख्याओं का गुणनफल में इकाई के अंक की जाँच करना, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं संख्याओं अथवा उनके गुणनफल में इकाई के अंक की जांच करना। ये क्वेश्चन आप बस देख लीजिए, आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा। आपको कोई बुक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख के आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, एक या दो क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ज़रूर मिल जाएंगे सीटेट के एग्ज़ाम में। देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें हम संख्याएं ले लेते हैं 4 7 6 into 9 198 into 359 into 242। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछा जाएगा इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इन नंबर्स में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो इन सारे नंबर का इकाई का अंक हम लेकर, जैसे 476 का 6, 198 का 8, 359 का 9 और 242 का 2 लेकर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका गुणा कर देते हैं। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 864। तो इस आंसर में जो इकाई का अंक है, जैसे 4 है इकाई का अंक, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 4, इकाई का अंक होगा 4। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 4 4 7 6 into 198 into 359 into 242 का इकाई का अंक जो होगा वो होगा 4। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 4। इस टाइप से आएगा क्वेश्चन। इसका मैं दूसरा एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। 698 into 526 into 259 में इकाई का अंक बताइए, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो मैंने बताया था आपको इसका इकाई का अंक, इन सब के इकाई के अंक लेके उनका गुणनफल कर देते हैं। 8 into 6 into 9 आंसर आएगा हमारा 432। तो इकाई का अंक क्या आ गया 2। तो ऊपर वाले संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक जो है वो 2 है। सिंपल सा है इसका आंसर। 698 into 526 into 259 में इकाई का अंक जो है वो 2 है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन आया है इसका एक 71 into 72 into 73 से 79 तक में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसके इकाई के अंक जैसे 1 2 3 4, 71 का 1, 72 का 2, इस टाइप से सबका गुणनफल कर लेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक आएगा 0। इन सबका जब गुणनफल करके आंसर आएगा तो उसके लास्ट में 0 आएगा। तो इनके इकाई का अंक जो हो गया वो हो गया 0। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि घात वाली संख्या में हम इकाई का अंक कैसे प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।